दोस्तों बिग बॉस सीजन 17 के लाइव फीड में घर के अंदर मनारा चोपड़ा जो है अभी भी मुनावर फारूकी को लेकर काफी ज्यादा भड़की हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, वीकेंड के बाद एपिसोड के बाद एक बार फिर से लाइव फीड शुरू कर दी गई है और यहाँ पर मनारा चोपड़ा गार्डन एरिया में ईशा मालविया समर्थ और विकी जैन के साथ बैठकर मुनावर फारूकी की बातें कर रही है। मुनावर फारूकी ने, आपको याद होगा कि एक कप के ऊपर नाजिला का नाम लिखा था, लेकिन उस नाम को लिखने के लिए मनारा चोपड़ा का जो नेल पेंट है उसको यूज किया था। और इस बात की यहाँ पर मनारा चर्चा कर रही है और कह रही है कि आयशा के आने के बाद में ये नाजिला जो नाम लिखा था उस कप को भूल चुका है। पहले तो बड़ा उस कप के साथ दिन भर घूमता था, अब वो कप इधर उधर डोल रहा है, पटक रखा है उसको, उसको पूछ भी नहीं रहा। कहीं बिग बॉस ऐसा ना करें कि फिनाले के दिन ना उस कप को स्टेज पे बुला ले सबके सामने, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। और उस कप को नाजिला का नाम लिखने के लिए इसने मेरा नेल पेंट और वेस्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, मनारा चोपड़ा ने यहाँ पर मुनावर फारूकी को लेकर एक बार फिर से अपना गुस्सा जाहिर किया है। दोनों के बीच में कट्टर वाली दुश्मनी हो चुकी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि गेम में आगे हमें और क्या क्या इनके बीच में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दोस्ती वोस्ती तो अच्छी वाली देखने को मिल चुकी है, लेकिन अब जो है शो के अंत में हमें मनारा चोपड़ा और मुनावर फारूकी के बीच में कट्टर वाली दुश्मनी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल आपका इस पूरे टॉपिक पर क्या है कहना, अपनी राय आप हमें कमेंट करके बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।